हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लेडी गलाविका। तो आज मैं दोबारा आ गई हूँ एक चैलेंज के साथ। उसका नाम है फ्राइड राइस चैलेंज। तो फ्राइड राइस चैलेंज में मैं स्पाइसी फ्राइड राइस बनाने वाली हूँ, जो मुझे स्पाइसी खाना बहुत अच्छा, पर सब्जियाँ मुझे कम अच्छी लगती है, तो मैं सब्जियाँ कम डालूंगी अपने आप। जैसे कर्ड राइस चैलेंज देखा था आपने, वैसे ही। अगर नहीं देखा हो तो कर्ड राइस चैलेंज को भी लाइक कर लेना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आज मज़ा आने वाला है बहुत। तो वीडियो, तो फर्स्ट इंग्रेडिएंट है राइस, सेकेंड है इसमें मैंने डाला है कैप्सिकम और कैरेट और अनियन। आप बहुत सारी जैसे मटर या टमाटर भी डाल सकते हैं, पर मुझे वो अच्छी नहीं लगती वो दोनों सब्जियां, इसीलिए मैंने एकदम मेरी फेवरेट सब्जियां ही डाली हैं। और थर्ड है ये सेजवान चटनी, जो बहुत स्पाइसी होती है, इससे थोड़ी स्पाइसीनेस ज़्यादा आएगी, इसीलिए मैं ये भी डाल रही हूँ। आप ये रेसिपी एक बार ट्राई भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने तो एक बार करी थी पर वो मम्मी ने करा था। अब इंग्रेडिएंट मैंने बताया, पर इस बार मैं खुद करने वाली हूँ। तो सेजवान चटनी, सोया सॉस, जो और बड़ा काम करेगा स्पाइसीनेस बढ़ाने के लिए। तो लाल मिर्ची पाउडर, ये भी बहुत तीखा होता है, इसीलिए मैं ये भी डाल रही हूँ। इस बार पहली बार ही डाल रही हूँ मैं ये। स्वाद अनुसार नमक और ऑयल। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। अब आपको एक कढ़ाई में तेल डालना है, जो कि इंग्रेडिएंट में था। तेल थोड़ा सा डालकर इसे थोड़ी देर के लिए गर्म होने दीजिए तेल को। उसके बाद हमें ये करना है, तो हमने यहाँ थोड़ा जीरा भी लिया है, भूल गई थी। जीरा में ऑयल पर डालना है, पिछले बार की तरह ना। दिखाइए, उससे थोड़ा सा। अब सब्जियां डाल लूं गाइस, मैं सब्जियां डाल दूं। ओह गंदी सब्जी। हाँ, इसका तो एकदम अच्छे से साथ थोड़ी देर कुक कर रही है, क्योंकि जब तक इनका कलर थोड़ा सा पता नहीं क्या होगा। अब मैं आपको कुक करने तो हम अपने स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। नमक में डाल रही हूँ, अगर आपको नमक नहीं डालना तो मत डालिए, मैं उसमें मेरा घर डाल रहा है। अगर आपको इसके आगे बनाना ना आता हो तो आप ऐसी ही सब्जी बना कर खा लीजिए। सब सब्जियां नमक के साथ मिक्स हो रहा है अच्छी तरह। मेरा अच्छी तरह ऐसे ऐसे करिए, ऐसे ऐसे ऐसे। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी मिर्ची, अगर आपको डालनी है तो डालना, मैं थोड़ी सी डाल रही हूँ। अब यहाँ जो मैंने आपको दूसरा मटेरियल बताया था वो है ये शेजवान चटनी और सेवान चटनी का मिक्स करेंगे और डालेंगे। अब वो जितना बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग ही डालना। वाओ स्पाइसी। मैं डालूंगी सोया सॉस। डालिए, कितना डालना है बताना। बस थोड़ा ही डालें, इससे सोया सॉस से काला काला सा हो जाता है, और शेजवान चटनी तो बहुत अच्छी होती है। देख दिखाई ये अच्छी तरह हमें से सारी सब्जियां इसके साथ में। आप इसके साथ चाउमीन भी बना सकते हैं, हम फ्राइड राइस। अब हमें चावल डालना है इसमें। अब चावल दिखाऊंगी मैं डालकर। आप देख सकते हैं अभी मम्मी करेगी कि मुझसे हिलाया नहीं जा रहा था सही से, इसीलिए। तो अभी मैं अभी इसमें थोड़ा स्पाइसी और डाल लूंगी मैं, मुझे स्पाइसी और खाना है गाइस। तो देख सॉस डालने जा रही हूँ। माय गॉड, मैंने हाथ में पकड़ा है कैमरा।
ये मैंने अब मैं प्लेटिंग करके दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं अच्छी तरह सारी सब्जियां भी कुक हो गई हैं, सॉफ्ट हो गई हैं। चलिए प्लेटिंग करते हैं। मेरी प्लेटिंग है गाइस, आप प्लेटिंग देख सकते हैं मेरी, मैंने अच्छे से उसमें रखी। अब मम्मी टेस्ट करेगी अगर पूरा अच्छी तरह होगा, क्योंकि मैं तो अच्छा ही बनाती हूँ वैसे भी। अच्छा तो मुझे दोबारा पिछले बार केक मिला था, पेस्ट्री मतलब मिली थी, पेस्ट्री केक नहीं। और इस बार अब देखते हैं क्या मिलेगा। अब स्टार्ट करते हैं, मम्मी आ जाइए। सच्ची है, यस गाइस। सो गाइस, मैं दोबारा थम्स अप हो गई हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूल, और कमेंट में बताना कि वीडियो कैसा लगा आपको। प्लीज़ मुझे आपके कमेंट्स चाहिए, जो भी वीडियो देखे कमेंट करना मत भूलना। बाय गाइस।